दोस्तों राम राम। आज जो एक लड़की स्वामी कुछ बोल रही थी, जो वो भी कटा रही है कि वो खिलाफ वो वीडियो बना रही थी, मतलब फेमस होने के लिए। तो मैं आज उसको बता देता हूँ, उस लड़की को, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ऐसी बातें, लेकिन मैं आज उनको समझा भी देता हूँ और बोल भी देता हूँ उसी की भाषा में। क्योंकि मतलब दार समाज के ऊपर आज आप इतनी उंगलियाँ उठा रहे हैं हर समाज के, मतलब कभी कोई फेमस होने के लिए टारगेट क्यों करते हो भाई आप लोग, पहले बात तो ये बताइए। अच्छा, खुद फेमस होने के लिए वो भी भाई को गालियाँ दे रही है तुम, ठीक है? और तुम्हारे जैसी गंदी सोच वाले लोग बेचारा ख़राब कर देते हैं, और वो भी भाई सिर्फ अच्छे काम के लिए काम कर रहे हैं, और तुम जैसे लोग तरह तरह के नहीं, वह किसी को बेटे गालियाँ देने एक गंदे काम नहीं करता है वो। और तेरे जैसी गंदी सोच वाले लोग समाज के लिए दुश्मन भी होते हैं, और तुम्हारी सोच, गंदी सोच, और तुम्हें कोई गाली दे तो कितना बुरा लगेगा, खुद का सोचा है कभी आपने? अगर तेरे को गाली देगा तो बिना ही, मतलब तेरी भाषा से तेरी सेंस करूँगा पता चल जाता है तो कि किस किस्म की औरत है तू। तू भी बॉबी भाई कटारिया का नाम लेकर फेमस होना चाहती है क्या, जो जाट और गुजरों के बीच में तुम्हें अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए आई है यहाँ पे? सुनना चाहती है दो चार शब्द? हम भी दिल्ली में ही रहते भी हैं, आते भी हैं, हमारे नहीं है ये वहाँ पे कोई आदमी, ओनली फेमस होने के लिए काम कर रही है ये तो। हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, और कभी भी आप लोगों के कमेंट के ऊपर नहीं करते हैं इस तरह का, जो गालियाँ दे रही है और दे रही, चैलेंज दे रही है तू। शर्म कर, थोड़ी शर्म कर। और पहले पहले मेरी एक बात सुन तू एक बार, पहले बहन तेरे जैसे लैंग्वेज ठीक नहीं है, पहली बात तो ये। मैं आज तुम्हें बहन बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको गाली नहीं दूंगा, और गाली देने का मन भी करता है, निकल भी जाएगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको, मतलब तेरी जैसी लैंग्वेज पहली बात तो ठीक नहीं है, और दूसरी बात करो उसे माफ़ी मांग ली तो गालियाँ देने का क्या अर्थ है? अगर चलो उसने कोई वीडियो में कुछ बोल दिया होगा बॉबी भाई ने, और तो फिर उसने माफ़ी मांग ली तो फिर उसमें गालियाँ देने की कोई बात रही नहीं। आप लोग आके गालियाँ दे रहे हो लाइव आके, एक तो गुजर राजा गुजर फेमस होने के लिए बस जाट समाज के ऊपर आते हैं सब लोग, थोड़ी शर्म करो शर्म। और हमारे दिमाग में बात की, हम पहले हिंदू हैं, पहले बात तो सुन ले, हम हिंदू हैं, और तू बोलती है ना मैं जाटों की स्पेयर करती हूँ, वो करती हूँ, और वो जाट हो ही नहीं सकता ऐसी बातें करता है, तो तू कोई लड़की नहीं है फिर, समझ ले। जो इस लैंग्वेज में तू बात कर रही है ना, फेमस होने के लिए गंदी गंदी बातें बोल रही है, तो कम से कम शर्म तो करे एक बार। और बाद में, और जाति, अगर जातिवाद में लड़ रहे हो तो आने वाले समय में हमको आप गुलाम जरूर बनाओगे, समझ ले, पूरे हिंदुओं को। आप जैसे जातिवाद लोग करेंगे तो हर हिंदू मतलब क्या बनेगा पता है आपको? गुलाम बन जाएगा, जातिवाद के ऊपर नहीं आने दोगे आप जैसे लोग, ठीक है ना? और जब कोई समाज में अच्छा कार्य करता है और उसकी आपने ऊंचाई पर जाता है, तो मुझे पता है कि एक दूसरा उसकी टांग खींचता है, और आदमियों से आदमी ही लड़ते हुए देखा है हमने, ठीक है, अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर जब जैसे कोई दो बंदे लड़ रहे हैं तो उसके अंदर बीच में लड़की आके घुसती है, तो मतलब वो लड़की को शोभा नहीं देता है, ठीक है? और रही बात तेरे पे कभी टिप्पणी की, तेरे समाज में कुछ बोला नहीं, फिर तेरे को उतर कूद के आने की जरूरत कहाँ है ये बता पहले मेरे को एक बार। शोभा नहीं देता ये चीज़ तेरे को, ठीक है? और औरत है, औरत को शोभा नहीं देगी ऐसी चीज़ें, जो आपकी खुद की भेजी हुई वीडियो मैंने देखा था 2 मिनट का, और मेरे वीडियो के अंदर मैंने डाल रखा है चैनल के ऊपर, इसमें आपको TRP नहीं मिलेगी, क्या कोई तेरी इज्जत करेगा? लेकिन तेरे को इज्जत नहीं देगा कोई आदमी, इज्जत नहीं देगा तेरे को, तेरे समाज में भी तेरे को बुरा ही करेगा। बहन जी मुझे नहीं पता है, पहली बात तो ये, अगर तेरा कोई पर्सनल मैटर है बॉबी कटारिया से, तो आपको मतलब उनकी भाषा में आप बात करिए, पहले बात तो आप उनसे जानिए और उनसे समझिए कोई चीज़। ऐसा नहीं है कि आप लाइव आके बस इसकी और TRP के लिए आप कर रही हो, मतलब है उसका कोई, गंदी गालियां दे रही हो आप। लेकिन आप एक बात भूल गए हैं, आप एक महिला हैं, इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रही हो?
जो भी नाराजगी है वो गाली दे, बिन बोले आप रह सकती हैं, क्यों आप महिला हैं और महिला का मजाक बनाया जा रहा है, कम से कम शर्म तो करें एक बार। आप मेरी बहन जैसी हो समझ लो, मैं आपको कुछ नहीं, कोई गलत शब्द नहीं बोल रहा हूँ, बहन मान के मैं तेरे को समझा रहा हूँ कि ऐसी भाषा का उपयोग मत कर, थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती तेरे को, एक महिला होकर यूं सार्वजनिक तौर पर किसी को भी गाली देना, ऐसा भाग्य ऐसी चीजें करते हुए नहीं करती है तेरे लिए, किसी तक अपनी बात पहुंचानी हो और मतलब और भी तरीके हो सकते हैं, आप उनसे बोल भी सकती हैं कि भाई बॉबी भाई फोन करके बोल सकती हैं, उनका नंबर नहीं दिया हुआ क्या, तो ये लड़की हो के ऐसी बातें करती है, शर्म आनी चाहिए तेरे को कोई चीज के बारे में, बोलती रहती है ऐसे कोई हर कुछ को। आप लोगों जाट समाज के ऊपर अंगुली उठाने में मजा आता है क्या आपको, ये आपको फेमस होना है उनके नाम से, अगर तेरे फेमस होना ही है तो कोई अच्छा काम कर, तो फिर इतनी बेशर्म कैसे हो गई तू। साथियों ये वीडियो उन तक पहुंचाइए एक बार, चैलेंज की बात कर रही है मेरे सामने आएगा, मैं ऐसे करूँ कहते सुनेगी दो चार साथियों। जय वीर तेजा जी की, मैं आपका भाई बिजू पलथाना।